ओइर गिदोरा के बारे में तो जानते ही होगे, जिसे अब तक का सबसे शक्तिशाली गिदोरा कहा जाता है, जिसके पास गॉड लाइक पावर है और एक इमोर्टल गिदोरा है। तो तब क्या होगा जब इसका सामना हेल गॉडजिला से हो, जिसे भी सबसे शक्तिशाली कहा जाता है, क्योंकि यह भी गॉडजिला इमोर्टल है और इसने इतने सारे मॉन्स्टर को मारा है जिसे दूसरे गॉडजिला नहीं मार सकते थे। तो कौन जीतेगा इस बैटल को, ओइर गिदोरा या हेल गॉडजिला, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम दोनों मॉन्स्टर के बारे में जान लेते हैं, फिर शोडाउन करेंगे। तब पहले जानते हैं हेल गॉडजिला के बारे में। तो हेल गॉडजिला को गॉडजिला इन हेल के कॉमिक में बताया गया था, जिसने हेल में रहकर ऐसे ऐसे मॉन्स्टर को मारा था जिसके पास हेल की शक्ति होती है। अगर बात करते हैं इसके पावर्स और एबिलिटीज की, तब इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि किसी भी मॉन्स्टर से फाइट ले सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। इसने एक ऐसे मॉन्स्टर को कुचल कर मार दिया था जो गॉडजिला को पूरी तरह जकड़ लिया था। इसकी बॉडी की सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है कि बॉडी में रॉड गड़ जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। जब इस गॉडजिला का बॉडी स्पेस गॉडजिला के कोरोना बीम के कारण जलने लगता है, जैसे कि उसमें आग लग गया हो, तब भी सर्वाइव कर लेता है। यहाँ तक अगर इसके बॉडी को पूरी तरह डैमेज कर दिया जाए या फिर इसके बॉडी मास को ख़त्म कर दिया जाए, तब भी यह सर्वाइव कर लेता है। जब छोटे छोटे मॉन्स्टर ने हेल गॉडजिला के बॉडी मास को खा लिया था, सिर्फ स्केल्टन ही बचा था, तब भी अपने बॉडी को रिजनरेट कर लेता है, यानी कि ये गॉडजिला इमॉर्टल है। वहीं हेल गॉडजिला के पास हमला करने के लिए एटॉमिक ब्रेथ होता है, जिससे इसने रोडान, एंगुरस और स्पेस गॉडजिला को मारा है। और यह एटॉमिक ब्रेथ इतना शक्तिशाली होता है कि गिदोरा की ग्रेविटी बीम और डिस्ट्रॉयर के माइक्रो ऑक्सीजन बीम से भी एक साथ फाइट ले सकता है। वहीं न्यूक्लियर पल्स बहुत शक्तिशाली होता है। जब गॉडजिला इनहेल गॉडजिला हेल को खाने लगता है, तब उसे अपने न्यूक्लियर पल्स से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब छोटे छोटे क्रिएचर गॉडजिला को हेल से बाहर जाने से रोकते हैं, तब भी न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करता है। वहीं इसके पास हीट स्पायरल रे है, जिससे छोटे छोटे क्रिएचर को मार दिया था जब इसके मुंह में घुसने वाले थे। इसके अलावा इस गॉडजिला के पास एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, रेडिएशन मैनिपुलेशन और एब्जॉर्प्शन की शक्ति है, जिसकी वजह से यह हेल से बाहर निकल पाया और हेल गॉडजिला कहलाया। ओइर गिदोरा एक ऐसा गिदोरा है जिसने हजारों दुनिया को नष्ट किया है। ओइर गिदोरा के ओरिजिन के बारे में बताया तो नहीं गया है, पर यह गिदोरा एनर्जी का बना होता है, जिस वजह से इसे हराना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर बात करते हैं इसके पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो इसके पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन की शक्ति है, जिसके जरिए वह दूसरी दुनिया पर जाता है। यह ब्लैक होल जैसे दिखने वाले पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया जाता है और वहाँ की दुनिया को नष्ट करता है। इसके पास सुपर ग्रेविटी है, जिसके जरिए दूसरी दुनिया को नष्ट करता है। इसी वजह से वह वहाँ की ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाता है और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। फिर ये अपने बॉडी से उस चीज़ को ट्रैप कर पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिसके जरिए इसने स्टारशिप को नष्ट किया था, और हो सकता है इसी तरह वह दूसरी दुनिया को नष्ट करता हो। इंटेंजिबिलिटी की अनोखी शक्ति है, जो दूसरी दुनिया जाने पर वहाँ की फिजिक्स और एनर्जी इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाते। जैसे गॉडजिला अर्थ के अटैक से ओइर गिदोरा कुछ नहीं हो रहा था और ओइर गिदोरा गॉडजिला अर्थ को बाइट कर पा रहा था। एनर्जी बाइट है, जिसके जरिए अपने दुश्मन को बाइट कर उसके एनर्जी को ख़त्म कर सकता है, जैसे गॉडजिला अर्थ का कर रहा था। इसके पास डार्क एनर्जी की शक्ति है। जब मेटाफिस ओइर गिदोरा को समन करके पहली बार बुलाता है, तब उसकी छाया दूसरों को काटती है, जिससे उनका मृत्यु तुरंत हो जाता है, जो गिदोरा के डार्क एनर्जी को दर्शाता है। इसके अलावा ओइर गिदोरा दूसरी डायमेंशन के प्राणी से कम्युनिकेट कर सकता है, जैसा कि मेटाफिस ने ओइर गिदोरा से किया था। अब सवाल उठता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर है। हेल गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, जिससे उसने कई मॉन्स्टर को मारा है। न्यूक्लियर पल्स है, जो एक साथ कई मॉन्स्टर को मार सकता है। हीट स्पायरल रे है, जो उसके दूसरे स्ट्रॉन्ग अटैक है। वहीं ओइर गिदोरा का बॉडी इतना बड़ा है कि किसी भी मॉन्स्टर को जकड़ कर मार सकता है। सुपर ग्रेविटी है, जिससे वह प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है। एनर्जी बाइट है, जो दूसरे मॉन्स्टर की एनर्जी को ख़त्म कर सकता है। और डार्क एनर्जी की शक्ति है, यानी कि पावर अटैक में तो ओइर गिदोरा ही भारी पड़ेगा।
तो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो हेल गॉडजिला स्केलेटन से रिजनरेट कर सकता है। वह इमोर्टल है लेकिन विद ग्रोथ तो लाखों साल से जिंदा है और उसे सिर्फ गॉड लाइक बींग ही मार सकते हैं। यहाँ तक कि गॉडजिला अर्थ ने विद ग्रोथ को नहीं हराया था, उसका संपर्क बस इस दुनिया से टूटा था, यानी कि विद ग्रोथ को मारा नहीं जा सकता। जबकि हेल गॉडजिला को उसके स्केलेटन के साथ नष्ट कर दिया जाए तो हमारा जाएगा। अगर दोनों का आमना सामना हो तो हेल गॉडजिला विद ग्रोथ के बॉडी को छू भी नहीं पाएगा, जैसे कि गॉडजिला अर्थ छू नहीं पा रहा था। ना ही एटॉमिक ब्रेथ और ना ही न्यूक्लियर पल्स से फर्क पड़ेगा। तो देखो कि हेल गॉडजिला सिर्फ मॉन्स्टर को मार सकता है, जबकि विद ग्रोथ ने हजारों दुनिया को नष्ट किया है। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। विद ग्रोथ आसानी से अपने सुपर ग्रेविटी से हेल गॉडजिला को पूरी तरह नष्ट कर देगा, जैसे कि स्टारशिप को किया था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपके वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।